कस्टम ने पैसे लेके ही छोड़ा लास्ट में। आपको 5% जो आपने टैक्स पे किया है वो आपको पूरा का पूरा वापस मिल जाता है। मेरे 4400 रुपए बच गए, इसलिए आई एडवाइस यू कि हेलो एंड वेलकम फ्रॉम द दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज मेरी फ्लाइट है दुबई टू मुंबई, इंडिया वापस जा रहा हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए पूरा गाइडेड वीडियो बना दूँ, आपको कस्टम्स कैसे क्लियर करने हैं, इंडिया एयरपोर्ट जाके वैट रिटर्न कैसे लेना है, दुबई एयरपोर्ट से आरोग्य सेतु एयर सुविधा, या आपको कुछ भी कोविड गाइडलाइन फॉलो करना है कि नहीं इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी और ऑनवर्ड्स। और ऑल्सो मैं आपको हर एक चीज़ सारा प्रोसेस बता दूंगा, इमिग्रेशन पे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इमिग्रेशन पे टाइम कितना लगता है, प्रोसेस क्या है, हर एक चीज़ मैं कवर कर दूंगा। अभी मैं बोर्डिंग काउंटर के पास हूँ, मैं थोड़ी देर में बोर्डिंग कराने जाऊँगा, बट उससे पहले लेट मी टेल यू समथिंग। अगर आपने दुबई में कुछ भी शॉपिंग किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, परफ्यूम, कुछ भी, और आपने अगर बिल रखा हुआ है और वैट वाला बिल बनवाया है, वैट रिफंड वाला, तो आप यहाँ एरिया नंबर 1 के पास आके अपना वैट रिटर्न ले सकते हो। आपको 5% जो आपने टैक्स पे किया है वो आपको पूरा का पूरा वापस मिल जाता है। आपको बस ये करना है कि आपको अपना बिल प्रोड्यूस करना है और वो प्रोडक्ट भी दिखाना पड़ेगा आपको। तो वो प्रोडक्ट और बिल दिखाने के बाद या तो वो आपको कैश दे देंगे या आपके कार्ड में 5 से 6 दिन में पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। तो जो भी तरीका आपको सही लगे आप वो फॉलो कर सकते हो। नाउ अभी बोर्डिंग के लिए बिल्कुल भी लाइन नहीं है, इसलिए मैं आराम से वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे यूजुअली मुझे लाइन नहीं मिलते हैं, क्यूज़ नहीं होते हैं लंबे लंबे, भीड़ कम होती है। और एक चीज़ और, वैसे तो हम लोग इंडिया में जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, हम लोग को जब भी ट्रैवल करना होता है तो हम लोग अपना टर्मिनल हमेशा चेक करना होता है कि कहाँ से कौन सी फ्लाइट है। बट यहाँ एक चीज़ बहुत सिंपल है, अगर आपका एमिरेट्स का फ्लाइट है तो आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से ट्रैवल करना है, और अगर आपका एमिरेट्स के अलावा और कोई भी एयरलाइन है तो आपको टर्मिनल 1 में आना है, जैसे कि मैं आया हूँ यहाँ से एयर इंडिया की फ्लाइट लूँगा। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, लेकिन पिछले बार मुझसे गलती हो गई थी, मैं गलती से टर्मिनल 3 चला गया था जबकि मेरा इंडिगो का फ्लाइट था। अभी चलते हैं, हम लोग बोर्डिंग पास लेते हैं, मैं आपको बोर्डिंग पास लेने के बाद मिलता हूँ, आपको बताता हूँ प्रोसेस कैसा है। तो मेरा बोर्डिंग हो गया, आप देख सकते हो, बोर्डिंग के बाद मुझे 11C सीट मिली है। तो 11C जो सीट है दैट इज द फर्स्ट सीट आफ्टर बिजनेस क्लास। इस फ्लाइट में बिजनेस क्लास है, फिर इकोनॉमी क्लास है, तो अप टू द रो नंबर 10 बिजनेस क्लास सीट्स होती है। और 11th नंबर सीट मैंने इसलिए ली है क्योंकि 11th रो जो है वो इमरजेंसी एग्जिट सीट है, और मुझे वो चाहिए था क्योंकि मेरी टांगे बहुत लंबी है और मुझे चाहिए था कि मैं आराम से थोड़ा कंफर्टेबल होकर बैठ पाऊँ। मैंने कोशिश की विंडो सीट लेने की बट वो मुझे नहीं मिला। बट मैं आपको बताता हूँ एक बात क्या है, सेम यही टिकट अगर मैं बुक करता ऑनलाइन जब मैं चेक इन करा रहा था तो मुझे पड़ता है कि 4400 रुपये का। मेरे 4400 रुपये बच गए, इसलिए आई एडवाइस यू कि जब भी आप चेकिंग करा रहे हो, जब आपका बैग ड्रॉप कर रहे हो, तो ऑलवेज आस्क फॉर अ फ्री विंडो सीट और फॉर अ एक्स्ट्रा लेग रूम सीट। आप जब भी मांगोगे वो दे देंगे, मोस्टली अगर अवेलेबल होगा तो 100% दे देंगे। थोड़ा बहुत कन्विंस करना होगा लेकिन कोई बात नहीं, आपके कम्फर्ट की बात है। तो खैर, बोर्डिंग पास लेने के बाद मैं गया इमिग्रेशन की तरफ, एंड ट्रस्ट मी इमिग्रेशन हर बार मेरा दुबई में इतना अच्छा होता है। आज तो फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट फिर भी 10 मिनट मैक्सिमम लगा क्योंकि जैसे जैसे भीड़ बढ़ते जा रही थी इमिग्रेशन स्टाफ बढ़ा दिए गए ताकि जल्दी जल्दी सबका इमिग्रेशन हो जाए। और सिक्योरिटी चेकिंग तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है मेरा दुबई में हर बार, क्योंकि यहाँ पे आपको बैग से सिर्फ लैपटॉप या कोई भी बड़ी बैटरी वाली चीज़ जैसे आईपैड हो गया, फ़ोन हो गया। और सिक्योरिटी चेकिंग में सबसे बढ़िया बात ये होती है कि आपका बैग में जितना भी सामान है, कुछ भी हो, वॉलेट हो, GoPro है मेरा उसके अंदर जिसमें बैटरी है, मेरा टूथब्रश है जिसमें बैटरी है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो उसमें ही पड़ी रहती है, जो कि मुझे इंडिया में यूजुअली निकालना पड़ता है स्कैनर पे, क्योंकि वहाँ हर बैटरी वाली चीज़ निकालनी पड़ती है, कभी कभी तो वायर्स तक निकालने पड़ जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको बस अपना फ़ोन लैपटॉप निकालना है, दैट्स इट। यहाँ पे एक चीज़ का इसका एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे लाइटर्स वगैरह भी अलाउड है, जिसके वजह से एक इंसिडेंट हुआ था स्पाइस जेट में, जहाँ पे इंडिया में लैंड करने के बाद फ्लाइट कोई स्पाइस जेट में लास्ट सीट पे जाके सिगरेट पी रहा था। तो जैसे आप इमिग्रेशन और सिक्योरिटी कराते हो उसके बाद आपको आना है मेट्रो लेके। जी, अगर आप T1 से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको मेट्रो लेके मेन बिल्डिंग में आना होता है, और आप जैसे ही मेन बिल्डिंग में आओगे उसके बाद आपको सामने ही बहुत जगह पे आपका फ्लाइट का गेट नंबर बता दिया जाता है, क्योंकि यूजुअली बोर्डिंग पास में मेंशन नहीं होता अगर आप 2-3 घंटे पहले आ जाते हो। और जैसे ही आपको गेट नंबर मिल जाए तो प्लीज़ मेक श्योर आप टाइम पे वहाँ पहुँच जाओ। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि आप यहाँ पे लाउंज वगैरह भी एक्सेस कर सकते हो अगर आपके पास कार्ड्स हैं तो, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी पास अगर आपके पास है आप तभी लाउंज एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज आप लाउंज एक्सेस नहीं कर पाओगे यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे बहुत कुछ खाने पीने का है, ड्यूटी फ्री भी है यहाँ पे, जहाँ पे आप धूम्रपान, मदिरा, हर चीज़ ले सकते हो, परफ्यूम्स, खाने पीने की चीज़ें, चॉकलेट्स वगैरह। बट एक चीज़ जो मेरे साथ हुआ है बहुत ही गलत, एक्चुअली मेरी लापरवाही है, आई शुड हैव टेकन केयर ऑफ इट, बट अब कुछ नहीं कर सकते, अब देयर वाज नो अदर स्कोप। एक्चुअली हुआ ये कि मैंने अपना हैंड बैगेज वेट नहीं किया था, और क्योंकि मेरे मुझे लगा लगेज मेरा सही है, बट ऐसा नहीं था, लगेज मेरा 10 kg ही अलाउड था और मेरा हैंड बैगेज दोनों 16 kg हो गया।
इसका ये मतलब है कि दे चेक योर हैंड बैगेज, तो मेक श्योर कि अपना हैंड बैगेज भी वेट करे, सिर्फ मेन लगेज ना वेट करे अगर आप मेरे तरफ पैसे नहीं खर्च करना चाहते हो तो। ये रिसीट मेरे हैंड, ये 110 दिरहम मेरी सीख है और मैं ये सीख आप लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूँ कि हमेशा अपना हैंड बैगेज भी वेट करिए। अगर आप लैपटॉप बैग के साथ हैंड बैगेज ले जा रहे हैं तो दोनों को वेट करिए, वरना फालतू में पूरा ट्रिप स्पॉइल हो जाएगा। मेरा तो मूड खराब हो गया है क्योंकि सस्ती फ्लाइट टिकट थी, 7,500 में मैं दुबई से मुंबई जा रहा था, लेकिन अब मेरा ये टिकट 10,000 का हो गया टेक्निकली, क्योंकि 2,500 में तो देने पड़े। मेरे हैंड बैगेज में 5 kg वेट एक्स्ट्रा खाली है जो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा 6 kg एक्स्ट्रा हो गया। तो नाउ आई हैव, मतलब मुझे पेमेंट करना पड़ा, क्या ही कर सकते हैं, बहस करने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज वो भी अपना काम ही कर रहे हैं। मैं अलाउड वेट से 6 kg ज़्यादा लेकर ट्रैवल कर रहा था, तो उन्होंने सिर्फ 2 kg के लिए चार्ज किया, तो ठीक है यार, अब ज़्यादा बहस करने को पूरा 6 kg कहाँ से दे पाता था। चलिए किस चीज़ में तो थोड़ा सा लकी हो गया मैं, क्योंकि मुझे विंडो सीट मिल गई विद एक्स्ट्रा लेग रूम और बहुत सारा लेग रूम है इसमें, और क्योंकि मैं इसमें पिछले बार भी आया था जब मैं दिल्ली टू दुबई आ रहा था, जिसका वीडियो आप देख सकते हो वैसा तो मैं लिंक कर दूँगा। जब मेरी पहली फ्लाइट थी इंटरनेशनल, जब मैं दिल्ली से दुबई आ रहा था, यही सेम फ्लाइट थी और मैंने यही वाली सीट ली थी 11A, बट मुझे उसके लिए पेमेंट करना पड़ा था 2,500 रुपये। तो मैं मुंबई लैंड हो चुका हूँ और हम लोग की फ्लाइट 15 मिनट पहले लैंड हो गई, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और दिस शोज कि एयर इंडिया इज़ बैक ऑन ट्रैक। अब फ्लाइट डिलेज नहीं होती है पहले के जैसे, क्योंकि मैं सबसे आगे बैठा हुआ था और जल्दी निकलने के चक्कर में मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी निकल गया, तो मुझे अपना बेल्ट नंबर पता नहीं चला, क्योंकि यहाँ पे तो अनाउंस करते ही हैं फ्लाइट में, बट कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे। बैगेज एरिया के पास कहीं ना कहीं तो डिस्प्ले पर मैंशन होगा ही, और नहीं तो अपने फ्लाइट के लोगों को फॉलो कर लूँगा। फ्लाइट का एक्सपीरियंस वैसे तो बहुत अच्छा था, कैबिन क्रू बहुत अच्छे थे, टर्बुलेंस थोड़ा सा था स्टार्टिंग में बट उसके बाद ज़्यादा इशू नहीं हुआ। हालांकि मैं एक और आपको प्रो टिप देता हूँ, अगर आप कभी भी इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हो और आप अपने एयरपोर्ट पे लैंड करते हो, चाहे आप जा रहे हो चाहे आप आ रहे हो, कोशिश किया करो जल्दी से जल्दी एयरक्राफ्ट से निकलने का, क्योंकि इमिग्रेशन पे जाके अगर इनकेस बाकी कोई और फ्लाइट नहीं भी लैंड की होगी तो भी आप ही के फ्लाइट के पैसेंजर्स आपसे आगे अगर चले जाते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो अनलेस एंड अंटिल आप बहुत पेशेंट हो, अनलाइक मी, क्योंकि मैं बिल्कुल पेशेंट नहीं हूँ, तो आप आराम से आ सकते हो, बट अगर आपको जल्दी करना है तो फ्लाइट से उतरिए और रन फॉर योर लाइफ, तेज़ तेज़ चलिए, दौड़ना तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा मैं, तेज़ तेज़ चलिए और अपना इमिग्रेशन कराइए, उसके बाद आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जाता हूँ अपना पहले इमिग्रेशन कराता हूँ, और क्योंकि इमिग्रेशन पे कुछ भी रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, तो मैं इमिग्रेशन करा के आपको मिलता हूँ बैगेज क्लेम एरिया में, और उसके बाद देखते हैं कस्टम में क्या होता है। एक दो चीज़ें हैं मेरे पास जिसके लिए शायद मुझे रोका जा सकता है, तो लेट्स सी कि मुंबई कस्टम वाले मुझे रोकते हैं या मैं निकल जाता हूँ। वैसे आई रियली होप कि मैं निकल जाऊँगा, पैसे बिल्कुल भी नहीं पे करना चाहता और ना ही मैं तामझाम चाहता हूँ, बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहता हूँ मैं, देखते हैं क्या होता है। लेट्स होप कि मैं मुंबई कस्टम को क्लियर कर लूँ। तो एज ऑफ January 23rd यहाँ पे एक RT-PCR बूथ है जो रैंडमली लोगों को पिक करके कोविड टेस्ट करा रहा है। यू कैन वॉलेंटरीली डू इट, अगर आपको नहीं मना तो आप नहीं भी करा सकते हो। मेरा मन था कि मैं करा लूँ क्योंकि घर जा रहा हूँ मैं, तो आई डोंट वॉन्ट कि गलती से भी 1% भी चांस ना हो कि मेरे वजह से बाकी लोगों को कुछ हो जाए। तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, 2 मिनट भी नहीं लगे, और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप में से कोई भी आ रहा है एंड इफ दे आस्क यू टू डू इट, करा लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। हमसे ज़्यादा हमारे घर वालों की बात आई है जिनके पास हम लोग जा रहे हैं, तो कुछ भी नहीं, बस बोर्डिंग पास लेते हैं और पासपोर्ट लेते हैं, दे जस्ट फीड द डेटा और आपको कोविड टेस्ट करते हैं। आई गॉट दिस रिसीट, आपको रिसीट मिल जाएगा, उसके बाद यू आर गुड टू गो। अभी मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन के लिए और होपफुली
रिपोर्ट नेगेटिव ही आना चाहिए, सिम्टम्स का तो सौ भी नहीं है बिल्कुल। आई एम वेरी वेरी गुड, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। चलते हैं अंदर। फाइनली इम्प्रेस्ड बाय द मुंबई इमिग्रेशन। 6 से 7 मिनट लगे बस, जबकि लोग थे काफ़ी, अच्छी खासी भीड़ थी, बट इस बार स्टाफ हर काउंटर पर बैठा हुआ था। यही तो चाहिए, अगर आप सारे स्टाफ रखोगे तो फटाफट हो जाएगा। खैर, सो द थिंग इज, RT-PCR कराने के बाद मेरा इमिग्रेशन बहुत स्मूथ हुआ। कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछे, ना दुबई में मुझसे कोई भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ना यहाँ मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद मैंने अपना बैग कलेक्ट किया, बैग बेल्ट पे ऑलरेडी घूम रहे थे बहुत सारे, मेरा बैग आने में थोड़ा टाइम लगा, बट कोई बात नहीं, इमिग्रेशन में और RT-PCR में मेरा इतना टाइम लग चुका था कि आने के बाद 2-3 मिनट वेट करना वॉज नॉट अ बिग डील। उसके बाद कस्टम्स, जिसके बारे में बात कर रहा था, तो आई हैड अ फोन विद मी, बिल्कुल पेटी पैक बॉक्स में बंद था वो, तो मुझे लगा कहीं अगर पकड़ लेंगे तो फिर वो कस्टम चार्जेस मांगेंगे, क्योंकि वो फ़ोन मैं किसी के लिए ला रहा था। और यूजुअली होता है कि मुंबई में दे कैच यू, बिकॉज लास्ट टाइम जब ऋषि आ रहा था आईफोन 14 प्रो मैक्स लेके, वो फ़ोन तो डब्बे से बाहर था, उसको तो बिल्कुल टेम्पर्ड कवर सब लगा हुआ था, बट स्टिल द कस्टम डेंट लीव हिम, कस्टम ने पैसे लेके ही छोड़ा लास्ट में। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी आ रहे हो तो थोड़ा सा सेफ रहना, मेरी किस्मत आज मिली जुली सी थी। और रही बात एयर सुविधा की, तो एयर सुविधा इज नॉट मैंडेटरी एनीमोर, आपको एयर सुविधा पर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप इंडिया आ रहे हो आप बेधड़क आ सकते हो। 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने के लिए कहूँगा, वो ये है कि टिकट बुक करते वक्त ध्यान रखिए कि आपके चेकड इन लगेज कितना अलाउड है, क्योंकि अभी बहुत सारे फ्लाइट सस्ते बेच रहे हैं लेकिन चेक इन बैग एक भी अलाउड नहीं है, मतलब आप बैग ड्रॉप नहीं कर सकते हो, सिर्फ ये लैपटॉप बैग्स वगैरह हाथ में लेके जा सकते हो। और मुझे पता है कि सब लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं बहुत सारा लगेज लेके, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा बैगेज का लिमिट चेक कर लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप ये चेक करें कि आप अपना हैंड बैग और अपना चेक इन बैगेज सबका वेट करें, क्योंकि आई डोंट नो हाउ इस बार बोर्ड करने से जस्ट पहले, जहाँ पे हमारा आखिरी बार बोर्डिंग पास स्कैन होता है ना, जो लास्ट गेट होता है, जैसे मेरा गेट नंबर था D3, तो उस गेट के पास वेइंग स्केल था, तो प्लीज़ अपना लगेज वहाँ वेट करने के बाद पकड़े जाने से अच्छा है घर पे ही वेट करके आओ आप, दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, आप हमेशा ये ध्यान रखो कि अगर आपको RT-PCR का टेस्ट कराया जा रहा है किसी भी एयरपोर्ट पे तो करा लो, इट्स गुड फॉर योर फैमिली। और चौथी और सबसे लास्ट चीज़, सब्सक्राइब टू द चैनल बिफोर साइनिंग ऑफ। तो आई होप मैंने सब कुछ कवर कर लिया हो, और अगर आपको इसके अलावा और कुछ भी जानना है, अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है, तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में पूछो या सोशल मीडिया हैंडल पर पूछो, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मैंशन कर दिया है। एंड दैट बिंग सेड, अभी बहुत सारे वीडियोज़ डालने वाला हूँ, तो आई होप यू विल सी ऑल ऑफ देम। अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए हैं तो वो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। नाउ ऑन दैट नोट, दिस इज हर्ष साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।